हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे एआई के बारे में, जो आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम सितंबर मंथ में होने वाले हैं। एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं, तो उसमें एआई हर एक ट्रिपल सी एग्ज़ाम में एआई से संबंधित क्वेश्चन 2 या 3 पूछे जाते हैं, तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो एआई होता क्या है, शॉर्टकट में समझेंगे कि एआई के पहली बार फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिता। और इसका मेन जो उद्देश्य होता है कि मशीनों में ह्यूमन इंटेलिजेंस लागू करना, यानी जैसे कि हम आप वर्क करते हैं वैसे मशीन भी काम करे, जैसे कि रोबोट होती है मशीन, वो आपके लिए खाना भी लाती है और बोलती भी है, लिखती भी है। तो मशीनों में ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी मनुष्यों की जैसे काम करने की क्षमता को विकसित करने को एआई का यूज होता है। और एआई कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है, और इससे संबंधित एआई एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे कि स्पीच रिकॉग्निशन। जैसे कि हम गूगल पे कुछ भी सर्च करना होता है तो बोल देते हैं और मशीन आपकी लैंग्वेज को कैच करता है और वो लिख जाता है और सर्च करके दिखा देता है। और इंटेलिजेंस रोबोट जो होता है, ये रोबोट जैसे कि वर्क करता है, तो ये भी आपका एआई का उदाहरण है। हेल्थ केयर यानी जैसे कि सीटी स्कैन होता है, इस तरह की जो जाँच होती है मेडिकल की, वो आपका एआई एप्लीकेशन के अंतर्गत आता है। और क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ एआई, एआई के फादर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी जो है एआई के डेवलपर हैं। इसका एग्जांपल हम आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दें। इस वीडियो में हम आपको एआई के एग्जांपल दिखाएंगे, जैसा कि आप देखिए। Artificial intelligence could revolutionize human-robot collaboration in service robotics. At Automatica in Munich, the leading trade fair for automation and robotics, exhibitors are presenting innovative solutions on robotic support for humans in the future. Ein Punkt, warum तो ये सारे एग्जांपल आपके एआई टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। तो देखकर आप समझ गए होंगे कि ये नहीं, मशीनों में ह्यूमन डेवलपमेंट को लागू करना ही आपका एआई का एग्जांपल है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को हेल्पफुल साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो सकता है। थैंक यू टू ऑल माई फ्रेंड्स।